नमस्कार मित्रों, टीवी 20 न्यूज पर लगातार खबरें जारी है। अपने अपने क्षेत्रों की खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य मुख्य खबरों की तरफ। इस खबर के प्रायोजक हैं शांति ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन अमौड़ा गोसाई की बाजार आजमगढ़, जिसके प्रबंधक हैं दीपक राय। और ये खबर बहराइच से है, जहां भूपगंज बाजार में एक व्यवसायी को चकमा देकर एक टप्पेबाज ने कैश बॉक्स से 44,500 रुपये लेकर चंपत हो गया। वो चक्कर इतनी सफाई से घटना को अंजाम दिया, जिससे व्यापारी को घटना की जानकारी आधे घंटे बाद हुई। बाजार निवासी व्यापारी अशोक मलानी सुबह 10 बजे अपनी दुकान पर बैठे थे, तभी एक अनजान व्यक्ति 500 की नोट लेकर खुदरा मांगने पहुंचा तो व्यवसायी ने फुटकर दे दिया। इसके बाद वो चक्के ने छोटी नोट का फुटकर मांगने लगा और बातों में उनको उलझाकर कैश बॉक्स में रखा 44,500 रुपये ले उड़ा। श्री मलानी को जब पैसे की आवश्यकता पड़ी तो देखा कि पैसा गायब है। उन्होंने बहुत ढूंढा लेकिन नहीं मिला। उसके बाद सीसीटीवी कैमरे को खंगाला तो पता चला, जिसकी लिखित सूचना थाने पर थी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटना की जानकारी ली। थाना अध्यक्ष ने बताया कि जांच की जा रही है, इसके लिए खुलासा किया जाएगा। वीडियो नहीं बनाना आ रहा था। तो चीनी बनाना पड़ सकता। बाहर कौन था? बाहर इन्हीं का कोई आदमी था। चेहरा क्लियर आ रहा है। इधर आता है ये अभी उसका सही हो जाएगा। नजर दे अब हम चेहरा देखे लागे नीचे अपन हाथ काम के लिए हमका बकावे लागे ऊपर। हरे रंग के जर्सी पहने हैं, हरे रंग के टोपी लगाए हैं।